जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जम्मू कश्मीर में राजस्थान का जवान शहीद, 2.5 साल के बेटे ने दी मुखाग्नि, पार्थिव देह देखकर बेहोश हुई पत्नी। राजस्थान के सीकर जिले का जवान कमल किशोर जम्मू कश्मीर में शहीद हो गए। शहीद कमल किशोर को 2.5 साल के बेटे नछित चौधरी ने दी मुखाग्नि। श्री माधोपुर हल्के के पटवारी का बांस निवासी जवान कमल किशोर बुधवार रात को शहीद हो गए, जिसका गमगीन माहौल में शुक्रवार को पैतृक गांव पटवारी की बांस नीम वाली ढाणी में अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान कमल किशोर को 2.5 साल के बेटे नछित चौधरी ने मुखाग्नि दी। सेना के जवानों ने शहीद कमल किशोर को गार्ड ऑफ ऑनर देकर अंतिम विदाई दी। सेना के अधिकारियों ने शहीद के पुत्र नछित व पिता मांगीलाल को तिरंगा व वर्दी सौंपी। जानकारी के अनुसार जवान कमल किशोर बिजारानिया श्रीनगर में तैनात थे। अपनी ड्यूटी के दौरान कमल किशोर अपनी टीम के साथ मिशन पर थे, इसी दौरान वह अचेत होकर गिर गए, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। माना जा रहा है कि सांस लेने में तकलीफ या हार्ट अटैक के कारण उनका निधन हुआ। जैसे ही जवान के शहीद होने के समाचार बटालियन के साथी व ग्रामीणों को लगी तो मानो शोक की लहर छा गई। शहीद जवान कमल किशोर 2016 में सेना में भर्ती हुए थे और 2017 में आर्मी में 123 टीए ग्रेनेडियर बटालियन इको कंपनी में श्रीनगर में तैनात थे। जवान कमल किशोर का पार्थिव देह शुक्रवार सुबह पार्थिव देह बाई प्लेन जयपुर पहुंचा, जहां से जवान की पार्थिव देह को सेना के ट्रक मार्ग से उनके पैतृक गांव नीम वाली ढाणी लाया गया, जहां शहीद जवान का पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। तो दोस्तों, मैं अपने इस चैनल के माध्यम से शहीद जवान कमल किशोर को सत सत नमन करता हूं, और मैं नमन करता हूं उन माओं का जिन्होंने ऐसे वीर पुत्र को जन्म दिया जो हंसते हंसते अपने देश के लिए शहीद हो गए। तो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Thank you.